हेलो एवरीवन, सॉलिड स्टेट का ये एक हम लोग रिव्यू देखेंगे, मतलब रिकैप तो नहीं है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है जो हम लोग जनरली मिस कर देते हैं या फिर हमसे छूट जाता है। एनसीईआरटी में देखो क्या है कि चीज़ें थ्योरी मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी हुई है, उसमें से हम लोग जनरली चीज़ें छोड़ देते हैं। और ख़ासतौर से जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, एग्जाम्पल्स क्या है कि बच्चा वही याद करता है जो टीचर्स अपने नोट्स में लिखवाते हैं, जबकि उनको एग्जाम्पल्स याद करने हैं एनसीईआरटी वाले। और एनसीईआरटी के बाहर ना तो एक सिंगल एग्जाम्पल याद करना है, ना एक कोई कॉन्सेप्ट पकड़ना है एनसीईआरटी के बाहर। और सवाल जो आते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में वो आसान आते हैं, ठीक है। तो और फिजिकल केमिस्ट्री से देखो नीट में देखा जाए तो क्वेश्चन कम ही आता है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो उसमें से ज़्यादातर पार्ट थ्योरी से ही आता है या कंसेप्चुअल रहता है। तो कैलकुलेटिव लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटिव वाली चीज़ों के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं और थ्योरी वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिससे कि नंबर कम हो जाता है। तो इसीलिए फिजिकल में थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर अभी सॉलिड स्टेट का थ्योरी हम लोग देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड से, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, रेगुलरली अरेंज्ड रिपीटेशन ऑफ पार्टिकल, ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं इनको। और एमॉर्फस सॉलिड में ये लिक्विड की तरह होते हैं, इनको हाईली विस्कस लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब हाईली विस्कस या हाईली कूल्ड सॉलिड है ये लिक्विड है। तो इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास ले लो, ग्लास क्या जैसे होता है ना, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स में ऊपर ग्लास की लेयर पतली हो जाती है समय के साथ, काफ़ी समय बाद अब देखें तो नीचे थोड़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि वो फ्लो ऑफ लिक्विड हमेशा नीचे की तरफ है। ग्लास दिखता तो सॉलिड है लेकिन उसका नेचर लिक्विड जैसा है, तो एमॉर्फस सॉलिड उसी को बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एमॉर्फस सॉलिड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सॉफ्टन होता है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होता है, एमॉर्फस वाला आइसोट्रॉपिक होता है, भूलना मत इसको, कैसे भी करके याद कर लेना, क्रिस्टलाइन में आइसोट्रॉपिक मत करके आ जाना, एमॉर्फस में आइसोट्रॉपिक करके मत आ जाना, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज शो डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, और एमॉर्फस सॉलिड में सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखो ये क्या है, यहाँ पे हमने पॉइंट को कंडेंस किया है, आपको थ्योरी के सारे पॉइंट जो कि छूट जाते हैं वो ना छूटे, इसलिए यह है वीडियो। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, और एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, अभी बताया था। एग्जाम्पल देखो, NaCl क्रिस्टल होता है ये, तो NaCl क्रिस्टलाइन में आ गया, क्वार्ट्ज आ गया। एमॉर्फस में ग्लास, रबर, प्लास्टिक सबको याद रहता है, असली कन्फ्यूजन कहाँ होता है तो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन गलत होता है, सबका क्वेश्चन गलत होता है। तो देखो ये स्ट्रिक्ट रहना कि आएगा तो NCERT का ही आता है। तो यदि क्वार्ट्ज लिख के पूछे, क्वार्ट्ज इज टाइप ऑफ, तो वो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यदि पूछे कि क्वार्ट्ज ग्लास इज टाइप ऑफ, तो एमॉर्फस का। करोगे कैसे, देखो अपने को पता है ग्लास एमॉर्फस होता है, तो ग्लास यदि क्वार्ट्ज के साथ दिख जाए तो एमॉर्फस, और यदि सिर्फ क्वार्ट्ज लिखे तो क्रिस्टलाइन, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड वो हो गया जिनका जो अपीयर इज एमॉर्फस बट हैविंग माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर उनका क्रिस्टलाइन है लेकिन अपीयर एमॉर्फस होते हैं। एग्जांपल पॉलीक्रिस्टलाइन के हो गए मेटल्स, जैसे मेटल में इंडिविजुअल क्रिस्टल को यदि हम देखेंगे तो वो रैंडम होगा, आइसोट्रॉपिक अपीयर होगा, ठीक है, ठीक है, रैंडम होगा, आइसोट्रॉपिक अपीयर होगा, बट यदि सिंगल क्रिस्टल को लेंगे तो वो एनआइसोट्रॉपिक की तरह रहेगा, इसको याद रखना, मेटल्स का एग्जाम्पल उसमें देना है अपने को। फिर उसके बाद एक क्लासिफिकेशन दिया है एनसीईआरटी में, मेटल्स नॉन मेटल कंपाउंड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड सब बनाते हैं, मतलब जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटल में देखे आयरन, कॉपर, सिल्वर, आयोडीन, नॉन मेटल फॉस्फोरस, सल्फर के क्रिस्टल, कंपाउंड में NaCl का क्रिस्टल, नेप्थिलीन का क्रिस्टल, ZnS का क्रिस्टल, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये सब हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट है ना। तो फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयनिक में आयंस होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये हमको हमेशा पता होता है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन द कोवलेंट, ठीक है। मेटेलिक में न्यूक्लियॉन सराउंडेड बाई सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सब मेटल हो गए। कोवलेंट या नेटवर्क में क्रिस्टल ऑफ नॉन मेटल कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जैसे देखो नेटवर्क डायमंड में कार्बन का नेटवर्क होता है, ग्रेफाइट हो गया, AlN, SiO2। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अब देखो नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, अपने नॉन पोलर वाले सॉफ्ट इंसुलेटर, जैसे देखो CCl4, CO2, ये सब नॉन पोलर है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, इसका डाइपोल इधर कैंसिल हो गया, इसका डाइपोल इधर, दोनों डाइपोल कैंसिल, नॉन पोलर म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। पोलर में HCl या SO2, पोलर में HCl या SO2, जैसे कि HCl ही है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गया, तो ये पोलर हो गया, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड में आइस हो गया, वाटर में आप लोगों ने पढ़ा ही है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में
जब आइस पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो ऑक्सीजन होता है वाटर का, वो चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक, चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब आ जाओ सॉलिड स्टेट में, सबसे बढ़िया और सबसे आसान चीज़ यहाँ पे है। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे गलत होता है, जब ये पूछे कि सेवन क्या होते हैं, चौदह क्या होते हैं, सात क्या होते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, यदि लिखा टोटल पॉसिबल ब्रेविस लैटिस, पॉसिबल कितने हैं ब्रेविस लैटिस, चौदह, और प्रिमिटिव उसमें से कितने हैं तो सात, और वही सातों हमको पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यदि पूछे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ब्रेविस लैटिस तो चौदह, जिसमें से प्रिमिटिव, चौदह में से प्रिमिटिव कितने हैं तो सात, और वही सात हमको पढ़ने हैं। अब देखो इसमें पढ़ना क्या है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इसको याद करना, इसी सीक्वेंस में याद करना, CRTHOMT, इसको नंबरिंग दे लेना, इससे फ़ायदा क्या होगा। अब देखो इसी सीक्वेंस में याद जब करोगे तो ये कोड याद कर लेना, 11, 12, 11, 21, 22, 31, 32, 33, ये कोड याद कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे इसमें देखो वन का मतलब है कि सारे इक्वल होंगे, ठीक है, टू का मतलब है दो लोग इक्वल होंगे, थ्री का मतलब है तीनों अनइक्वल होंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसमें जो 11 में वन वन है तो ये वन साइड का है, ये वन एंगल का है। साइड में देखो 11 का मतलब हुआ सारे साइड इक्वल, सारे साइड इक्वल, 11 का मतलब हुआ सारे साइड एंगल, सारे एंगल इक्वल, तो वन का मतलब हुआ सारे साइड इक्वल, और ये दूसरे वन का मतलब हुआ सारे एंगल इक्वल, तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों सेम है, साइड भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो अंतर ये है कि इसके जो एंगल होते हैं वो इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, और इसमें जो एंगल होते हैं वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा तो परफेक्ट क्यूबिक बनता है, ठीक है, परफेक्ट क्यूबिक बनता है। टेट्रागोनल में टू वन, टू का क्या मतलब हुआ, टू का मतलब हुआ दो लोग इक्वल हैं, एक अनइक्वल है, और टू वन में वन का मतलब हुआ तीनों इक्वल हैं, टू टू का मतलब हुआ दो इक्वल हैं, दो इक्वल हैं, थ्री का मतलब हुआ तीनों अनइक्वल हैं, वन का मतलब हुआ सारे इक्वल हैं, थ्री का मतलब हुआ तीनों अनइक्वल हैं, टू का मतलब हुआ दो इक्वल हैं, एक अनइक्वल है, थ्री का मतलब हुआ तीनों अनइक्वल हैं, थ्री का मतलब हुआ तीनों अनइक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब चूंकि हम जो सातों पढ़ते हैं वो सातों प्रिमिटिव होते हैं, तो यदि पूछे कि प्रिमिटिव कितने हैं तो इन सातों में तो सातों के सातों प्रिमिटिव हैं, प्रिमिटिव कौन है, सारे प्रिमिटिव हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक आता है, एनसीईआरटी में चार्ट बना के दिया है, पूछ लिया कि इसमें से एज सेंटर्ड कितने हैं, है ना, एज सेंटर्ड कितने हैं, तो ऑर्थोरम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ठीक है, पाँचवा और छठवां। फेस सेंटर्ड कौन कौन से हैं, पहला, पाँचवा। बॉडी सेंटर्ड कितने हैं, पहला, तीसरा और पाँचवा। अब इसी सेक्वेंस से याद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप यहाँ पे कोड बना सकते हो 6515135 65 15 135 कुछ भी करके याद कर लो, ताकि जब तुम्हें पूछे कि आउट ऑफ सेवन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हाउ मेनी आर विच ऑफ देम आर फेस सेंटर्ड, तो तुम तुरंत 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखो और फेस सेंटर्ड का लिखो 15, तो 1 और पहला और पाँचवा, पहला और पाँचवा तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फेस सेंटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैसे अपना सीक्वेंस बनाओगे, इसको कर लो EFB, बायो वाले पढ़े हो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी, तो EFB करके याद कर लो, 65 15 135, यहाँ से तुम डायरेक्ट कर सकते हो। अब पूछे कि बॉडी सेंटर्ड कितने हैं, तो तीन लोग बॉडी सेंटर्ड हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पहला यानी कि क्यूबिक, तीसरा यानी कि ये, और पाँचवा यानी कि ये, ठीक है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि ट्राई क्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल, देख लो सारे एंगल भी अनइक्वल हैं, सारे एंगल भी अनइक्वल हैं। दूसरा पॉइंट क्या निकला, ऑर्थोरम्बिक है ऑल टाइप ऑफ प्रिमिटिव, एज सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है। देखो ऑर्थोरम्बिक प्रिमिटिव तो है ही, एज सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है और बॉडी सेंटर्ड भी है। अब आ जाओ, अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, लोगों से HCP का सवाल नहीं बनता है, HCP का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो पहले तो देखो NCERT में एक जगह SCP और CCP में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन दिया है, जिसमें कि कुछ चीज़ों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, क्या क्या है। HCP में देखो, HCP फाउंड इन मेनी मेटल्स, ये भी ठीक है, लाइक मैग्नीशियम, जिंक, और CCP के एग्जांपल है कॉपर और सिल्वर, यानी यदि आप कॉपर का कोई वायर उठा लो, कोई ऑब्जेक्ट उठा लो, उसमें जो कॉपर एटम का अरेंजमेंट होगा वो किस टाइप में होगा, CCP में होगा, कहने का मतलब ये। जिंक का कोई टुकड़ा उठा लो, उसमें जिंक के जो एटम किस फॉर्म में अरेंज होंगे, HCP फॉर्म में अरेंज होंगे उस सॉलिड में, ठीक है, ये एग्जाम्पल मत भूलना, कैसे भी करके याद कर लो, ठीक है। अच्छा हेक्सागोनल में ABAB टाइप की पैकिंग होती है, CCP में ABC टाइप की पैकिंग होती है ना, इसको याद कैसे करोगे, CCP में देखो ज़्यादा बार C आ रहा है तो इसमें C आ जाएगा, तो ABC टाइप पैकिंग किसमें हो जाएगी, CCP में, ठीक ना। और इतना तो पता ही है, HCP में भी 74% की पैकिंग होती है, CCP में भी 74% की पैकिंग होती है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये पॉइंट जो हम लोग छोड़ देते हैं वो ये है कि फॉर्म बाई HCP फॉर्म बाई कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड, CCP फॉर्म बाई कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब इसमें देखो हम लोग छोड़ते क्या है, एक तो ये किस टाइप की पैकिंग है इसमें, दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, तीसरा किस वाइड को कवर करके ये बन रहा है, ये बाकी सब याद रहता है, छूटता ही है। इसके एग्जाम्पल क्या है CCP के,
वो कौन से वाइट को कवर करके बन रहा है और इसमें किस टाइप की पैकिंग है, ठीक है, ये तीनों जनरली छूटती है या कन्फ्यूजन होता है इसमें। अच्छा, या सीपी के सवाल भी जल्दी नहीं बनते हैं, कई बार एससीपी का थोड़ा सा अरेंजमेंट इस टाइप का होता है तो उसके सवाल जल्दी बनते नहीं हैं। तो यदि एससीपी का सवाल नहीं बन रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर लो, टेट्राहेड्रल वाइट ऑक्टाहेड्रल वाइट कितना है ये पता होना चाहिए और जेड क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो जनरली वैलिड ही होता है कि जेड इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वाइट और टेट्राहेड्रल वाइट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे ये वैलिड हो जाता है। यदि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद है, इफेक्टिव एटम याद है, तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइट याद हो जाएंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल वाइट इज इक्वल टू जेड। और यदि ये चारों एग्जांपल, ये चारों चीज़ पता है तो एससीपी में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे होगा, सवाल एकदम आसानी से हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो, एटम ए प्रेजेंटेड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट, एटम बी प्रेजेंटेड एचसीपी, एकदम आसान है। एचसीपी में दिमाग नहीं लगाना, विजुलाइज नहीं हो पा रहा है मत करो। सॉल्यूशन क्या करना है, याद है अपने को, बी वाला एचसीपी पे है, मतलब एचसीपी पे है, एचसीपी लैटिस पे, तो उसका जेड कितना है 6, तो बी के एटम 6 हो गए और इफेक्टिव एटम 6 हो गए एचसीपी में। और ए वाला टेट्राहेड्रल वाइट पे है, 2/3 क्वेश्चन में दिया है, टेट्राहेड्रल वाइट कितना है 12, ठीक है, 2/3 12 इज इक्वल टू 8, टोटल एटम टेट्राहेड्रल वाइट में 8 हो गए, फार्मूला हो गया A8B6, फार्मूला A4B3, ठीक ना। अब आ जाओ डेंसिटी, डेंसिटी पे ही सवाल आता है इसमें, यही सवाल लेके हम लोग लगाते रहते हैं, बाकी चीज़ छोड़ देते हैं। तो डेंसिटी में कुछ है नहीं, डेंसिटी इज इक्वल टू, अच्छा सिंबल पे थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके सिंबल बनाया करो तुम लोग हमेशा, जैसे मैं हमेशा मॉलिक्यूलर वेट को MW से डिनोट करता था ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन गिवन मास है, कौन मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल M कन्फ्यूजन होता है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट को सीधे MW से डिनोट किया करो। जेड नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ही होता है, AQ हो गया तुम्हारा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ए हो गया साइड, AQ हो गया वॉल्यूम, NA क्या हो गया तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर, मैं देखो एवोगैड्रो नंबर को N से नहीं जबकि NA से डिनोट करता था ताकि कन्फ्यूजन ना हो, N टोटल नंबर भी हो सकता है। अब यदि आपको अपने फार्मूला के सारे सिंबल का मीनिंग पता है तो आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करके देखना आसानी से हो जाएगा। BCC स्ट्रक्चर है, उसका साइड दिया है, डेंसिटी दिया है, NCERT का सवाल है, हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ एलिमेंट, NCERT का क्वेश्चन है, सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, देख लेना। छूटने वाली चीज़ में और आ जाओ, अब आ जाओ देखते हैं डिफेक्ट, डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है। अब इसमें हम लोग को देखना है, जैसे पॉइंट डिफेक्ट देखना है, ये देखो NCERT में पूरा कहानी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको मतलब अलग अलग कर दिया है, पूरा चार्ट के फॉर्म में कर दिया है। तीन टाइप के डिफेक्ट पढ़ने हैं, स्ट्राइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक, ठीक है। अंतर क्या है, स्ट्राइकोमेट्रिक वाला डू नॉट डिस्टर्ब द स्ट्राइकोमेट्री ऑफ सॉलिड, और नॉन स्ट्राइकोमेट्री वाला सॉलिड के स्ट्राइकोमेट्री को मतलब डिफेक्ट कर देता है। जैसे स्ट्राइकोमेट्री तुम्हारा, ठीक है, स्ट्राइकोमेट्री में वाले को इंट्रेंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, नाम याद रहे, भूलना मत। स्ट्राइकोमेट्रिक में नॉन आयनिक सॉलिड में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं, आयनिक सॉलिड में फ्रेंकल और शॉट के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, वैकेंसी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यदि कॉन्सेप्ट पता है ना तो दिक्कत नहीं होगी, दो तीन चीज़ याद करनी है। देखो वैकेंसी में सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट, अब वो मतलब क्या है कि पूरे लैटिस में एटम भरे हुए थे तो कहीं पे कहीं से एटम भाग गया, ठीक है, एटम वहाँ से भाग गया, उससे क्या हुआ, अब एटम ही भाग गया तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है घट जाएगी, तो और ये डिफेक्ट डेवलप ड्यू टू हीटिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन NCERT में जो क्वेश्चन दिया है, NCERT में इंटेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे पूछा है कि वैकेंसी डिफेक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और ये शायद थ्योरी में लिखा है कि दिस डिफेक्ट कैन डेवलप ड्यू टू हीटिंग, यदि मान लो कोई सॉलिड है उसको हीट करते हैं तो उसमें से कुछ एटम वहाँ से हो सकता है एस्केप कर जाएं, भाग जाएं, तो वैकेंसी वहाँ पे लैटिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से डेंसिटी तो ऑब्वियस सी बात है घट जाएगा। इंटरस्टिशियल में क्या है, सम अदर पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड, जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा है डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पे आके हाइड्रोजन हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन आके वहाँ का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं किसकी तरह, हाइड्रोजन स्टोरेज की तरह, वहाँ पे शायद लिखा है प्लेटिनम पैलेडियम ये सब जो मेटल है ये सबको हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। कैसे, क्योंकि इनके लैटिस में जो बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे हाइड्रोजन आके ऑक्यूपाई हो जाता है। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन जब आके जगह ले लेगा तो जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो अब यहाँ पे यदि पूछा कि वैकेंसी में वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, आप लोग बता लोगे डेंसिटी घटेगी, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। आयनिक सॉलिड में देखो क्या हो सकता है, आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो फ्रेंकल और शॉटकी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नाम के साथ याद करने की कोशिश करना, मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो शॉटकी में देखो 2/3 आ रहा है तो कैटायन और एनायन, ऐसे मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, तो ऐसे करके याद कर लेना कि कैटायन एनायन, ठीक है, कैटायन एनायन बराबर नंबर में गायब होंगे, ठीक है, टी देखो दोनों बराबर साइज के हैं तो कैटायन एनायन बराबर नंबर में गायब होंगे, ठीक है,
ऐसे करके याद कर लेना। तो फ्रैंकल में देखो, फ्रैंकल को डिसलोकेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। फ्रैंकल में कुछ नहीं होता, क्या होता है कि डिसलोकेट हो जाता है। अच्छा, जनरली तुम लोग को पता है कि कैटायन की साइज सबसे कम होती है, उससे बड़ा होता है न्यूट्रल एटम। कैटायन होता है, उससे बड़ा होता है न्यूट्रल एटम, उससे बड़ा होता है एनायन, एनायन सबसे बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है। तो स्मॉलर आयन डिसलोकेट हो जाता है, स्मॉलर आयन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड। तो स्मॉलर आयन क्या होता है, कैटायन, वो अपने जगह से मतलब डिसलोकेट होता है लेकिन रहता उसी लैटिस में है। अब जैसे मान लो लैटिस है, उसमें कैटायन भी है, एनायन भी है, ठीक है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन है ना, NaCl NaCl NaCl, ठीक है, ठीक है, कैटायन एनायन। अब यहाँ से कैटायन हट गया, यहाँ से कैटायन हट के कहीं और चला गया, लेकिन है कहाँ, लैटिस में ही है। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया। तो जब उसी लैटिस में है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। अच्छा, जहाँ से ये गायब हुआ वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो इसमें वैकेंसी डिफेक्ट भी आपको मिल जाएगा फ्रैंकल में। और जिस जगह पे गया उसी लैटिस में, जिस जगह पे वो कैटायन गया, जहाँ जाके रहने लगा, वहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड। अच्छा, डेंसिटी सेम रह जाएगी, लैटिस की ओवरऑल डेंसिटी सेम रह जाएगी क्योंकि कोई कहीं गया नहीं। एग्जाम्पल बिल्कुल मत भूलना, पूछेगा तो यही पूछेगा, ZnS और सिल्वर के हैलाइड, AgCl AgBr और AgI, दो ही एग्जाम्पल हैं, जिंक सल्फाइड और सिल्वर का हैलाइड फ्रैंकल में। और शुड भी लार्ज साइज डिफरेंस, अच्छा साइज डिफरेंस रहेगा तभी ना डिसलोकेशन होगा। जैसे लैटिस में तुम देखो बड़ा बड़ा मान लो कैटायन है, एनायन है सॉरी, छोटे छोटे हैं, तो जगह इनको ज़्यादा मिल जा रहा है तो भाग के डिसलोकेट हो जाएंगे। साइज डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो तुमको फ्रैंकल डिफेक्ट आसानी से मिल जाएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट अभी मैंने याद कराया कि कैटायन एंड एनायन मिसिंग इन इक्वल नंबर, इसको याद रहे, ठीक है। अच्छा, इक्वल नंबर, अब जैसे मान लो दो कैटायन गायब हो गए, दो एनायन गायब हो गए, तो चार्ज जितना प्लस गया उतना माइनस गया, तो ओवरऑल शॉर्टकी में जो लैटिस है वो न्यूट्रल रह गया, डेंसिटी घट जाएगी क्योंकि गायब यहाँ पे भी हो रहे हैं, कैटायन भी लैटिस छोड़ के जा रहा है, एक एनायन भी लैटिस छोड़ के जा रहा है, डेंसिटी घट जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ एटम घट जा रहे हैं, कैटायन भी गया एनायन भी गया, लेकिन चार्ज चूंकि इक्वल नंबर में प्लस माइनस गया इसकी वजह से न्यूट्रल रहेगा। बस ये डिफिनेशन याद है ना, तो आपको ये भी बता लोगे, ये भी बता लोगे, कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, अच्छा सेम साइज के रहेंगे तभी ना साथ साथ जाएंगे, बड़े छोटे रहेंगे पता चला बड़ा वाला निकल गया छोटा वाला नहीं निकल पाया, सेम साइज के रहेंगे जब कैटायन गया उसी के साथ एनायन भी चला गया। एग्जाम्पल में NaCl KCl सीजियम क्लोराइड और AgBr, तो NaCl KCl में सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का क्लोरीन का पोटेशियम का क्लोरीन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, AgBr में भी सिल्वर और ब्रोमीन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एक चीज शॉर्टकी में जो चीज हम लोग छोड़ते हैं लेकिन बार बार पूछता है, शॉर्टकी में 10 to the power 6 शॉर्टकी पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, शॉर्टकी में 1 cm³ में 10 to the power 22 आयन गायब हुए, तो 10 to the power मतलब शॉर्ट की पेयर कितना क्रिएट हुआ, 10 to the power 6 शॉर्ट की पर 10 to the power 22 आयन्स, ठीक है, शॉर्ट की इतना उसमें क्रिएट हो गया, मिस हो गया, मतलब पर 10 to the power 22 आयन्स में से इतने शॉर्ट की पेयर गायब हो गए। NaCl का एग्जांपल देके दिया है तो इसको वैसे ही याद कर लेना। फिर आ जाओ इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे, आ जाओ सेकेंड नंबर पे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या कहता है कि मान लो ये NaCl का क्रिस्टल था, ठीक है, उसमें कोई दूसरा कैटायन आ गया, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्सियम आ गया, एग्जांपल आपको रखना है याद, NaCl के क्रिस्टल में ये SrCl2 स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी आ जाए, दूसरा एग्जांपल AgCl में कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी आ जाए। समझने के लिए यहाँ देख लो एक बार, समझना क्या है, जैसे देखो ये NaCl का क्रिस्टल था, उसमें स्ट्रॉन्सियम 2+ आ गया एक जगह पे, तो ये दो मतलब चार्ज ये दोगुना कर दिया जिसकी वजह से एक क्लोरीन को हटना पड़ा, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, स्ट्रॉन्सियम आयन रिप्लेस दो सोडियम आयन, ठीक है, सॉरी क्लोरीन को नहीं, यहाँ से सोडियम को गायब होना पड़ा, ठीक है, एक तो यहाँ वाला सोडियम गायब हुआ जिसकी जगह पे स्ट्रॉन्सियम आया, एक और सोडियम गायब हुआ, तब जाके 2+ चार्ज गायब हुए जिसकी वजह से स्ट्रॉन्सियम 2 चार्ज लेके आया, 2+ +2 का चार्ज लेके आया, 2 सोडियम को गायब होना पड़ा, ठीक है। कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ SR2+ आयन। जनरली हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि हम लोग देखते हैं SR2+ आया था तो जितना कैटायन जितना आएगा मतलब जितना इम्प्योरिटी आएगी उसके आधे लोग गायब होंगे, या फिर मतलब जितने लोग गायब हुए, यही कन्फ्यूजन होता है 1-2 का, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना। यहाँ पे यदि एक SR2+ आया है तो 2 सोडियम एटम गायब होंगे, तो एक वहाँ से गायब हो जाएगा जहाँ पे वो था और एक ही वैकेंसी क्रिएट होगी, ऐसा नहीं कि SR2+ आएगा तो 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो इसको याद रखना, कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रॉन्सियम आयन। अब आ जाओ नॉन स्टोइकोमेट्रिक में, आ जाओ नॉन स्टोइकोमेट्रिक में पढ़ना है आपको मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, ये भी पूरा कहानी में लिखा हुआ है मेटल एक्सेस का, ठीक है। देखो ओवरऑल तुम्हारा क्या नॉन स्टोइकोमेट्रिक में एक तरीका मैं बता रहा हूँ याद रखने के लिए कि देखो मेटल एक्सेस में कैटायन एक्सेस हो रहा है, सॉरी मेटल एक्सेस में
मेटल एक्सेस में देखो कैटायन ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। देखो पहला इसमें इन्होंने समझाया एनायनिक वैकेंसी, ठीक है, एनायनिक वैकेंसी, तो उसका उससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, कैटायन बढ़ रहा है, एनायन की वैकेंसी हो रही है, एनायन गायब हो रहा है, कैटायन बढ़ रहा है। दूसरा कैटायन एक्सेस सीधे सीधे कैटायन बढ़ रहा है। मेटल डिफिशियंसी में कैटायन का डिफिसिट, मेटल से क्या, मेटल मतलब एक तरीके से याद कर लो, मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं ना, तो मेटल एक्सेस में कैटायन ज़्यादा होगा। देखो एनायन की वैकेंसी होगी तब भी कैटायन ज़्यादा होगा, या तो कैटायन ज़्यादा हो जाए, और मेटल डिफिशियंसी में कैटायन का डिफिसिट होगा, ठीक है। मेटल को एक बार कैटायन से थोड़ा सा वो कर लेना, तुमको आसानी होगी समझने में। तो देखो एनायनिक वैकेंसी वाली कहानी क्या है, इन्होंने समझाया है कि एक NaCl का टुकड़ा ले लो और उसको सोडियम के वेपर में रख दो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम डिपॉजिट होगा यहाँ इसके NaCl के सरफेस पे, ठीक है, तो जो इस क्रिस्टल के क्लोरीन है वो आके इनसे कंबाइन करके ऊपर NaCl की लेयर बनाने लगेंगे, ठीक है। तो सोडियम फॉर्म बॉन्ड विथ क्लोरीन, सोडियम फॉर्म बॉन्ड विथ क्लोरीन एंड फॉर्म सोडियम प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम सोडियम आएगा और क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होगा, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनसाइड द क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द साइट ऑफ क्लोरीन कॉल्ड एफ सेंटर, ये याद रखना, एफ सेंटर पूछता है, ठीक है ना, एफ सेंटर पूछता है। तो एफ सेंटर तुमको कहाँ मिल जाएगा, एनायनिक वैकेंसी में, मेटल एक्सेस में, ठीक है ना। ऑन हीटिंग क्रिस्टल इम्पार्ट येलो कलर, अब देखो हम लोग NaCl का एग्जांपल लिए थे, तो NaCl में को जब हीट करते हैं तो येलो कलर इम्पार्ट करता है, और अदर अदर एलिमेंट के साथ सोडियम NaCl को सोडियम के वेपर में रखोगे तो हीट करने पे येलो कलर इम्पार्ट करेगा, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर, KCl वायलेट कलर। यही पूछेगा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हीटिंग करने पे LiCl कौन सा कलर इम्पार्ट करता है, तो यहाँ पे ये सब दिक्कत मत करना। और ये किसका एग्जांपल है, तो एनायनिक वैकेंसी मेटल एक्सेस नॉन स्टोइकोमेट्री का, ठीक है। कैटायन एक्सेस में क्या है, कैटायन एक्सेस में देखो समझाया एग्जांपल लेके, जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का कोई क्रिस्टल है, उसको मैंने हीट किया, जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, अब इसको मैंने हीट किया तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो बचा क्या, अब बचा यहाँ पे जिंक के आयन हो जाएंगे, ठीक है, जिंक के आयन हो जाएंगे, तो नाउ क्रिस्टल है एक्सेस ऑफ जिंक 2+, फार्मूला बिकम Zn1+XO, ठीक है, जिंक 2+ एक्सेस हो जाएगा, ऑक्सीजन देखो Zn O में जिंक 2+ था, O2- था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने इसको हीट किया तो ऑक्सीजन ने इसने ऑक्सीजन निकल गया O2 बन के, Zn O में O2- था ना, एक सेकेंड, Zn O में O2- था, अब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो जिंक 2+ बच गया हीटिंग करने पे, तो ये फार्मूला बन गया। अब आ जाओ देख लो, अब इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट वाली चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, बहुत थोड़ा बड़ा है, सारे एग्जांपल रट लेना। अच्छा मेटल डिफिशियंसी बच गया, अब देखो मेटल डिफिशियंसी, देखो नॉन स्टोइकोमेट्रिक है ना ये, देखो ये सीधा सीधा फार्मूला नहीं है, यहाँ पे नॉन स्टोइकोमेट्रिक है। FeO में आयरन ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe0.95O। अब ये ऐसा फार्मूला है क्यों, क्योंकि जब वो जो कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर है उसमें कंस्टिट्यूएंट में Fe0.93O भी है और Fe0.96O है, ठीक है। तो सम आयरन आयंस आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज फुलफिल बाय आयरन 3+ आयन,